गौ रक्षा किसान सुरक्षा संकल्प यात्रा आज दिनांक 24/7/2023 को बाबूलाल चौराहा में बांदा से काली देवी मंदिर से रजत सेठ सदर विधायक प्रतिनिधि बांदा नगर चेयरमैन प्रतिनिधि अंकित वासु नगर बांदा की अगुवाई में यात्रा प्रारंभ की गई। ये यात्रा काली देवी मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर मैथिली शरण अवस्थी जिला संयोजक बांदा रजोली भाई जी चुन्नीलाल मनीष अरविंद गुप्ता महेश अंकित विजय रतन आदि लोगों के साथ बैठक करने के बाद बाबूलाल चौराहा कालूकुआ महाराणा प्रताप चौक संकट मोचन में दर्शन करने के बाद जेल रोड पुलिस लाइन महाराणा प्रताप चौक शुकुल कुआं मवई बाईपास जमालपुर पपरेंदा से होते हुए पेलानी में महेश कुमार गुप्ता जी भगत सिंह जिला संयोजक हिंदू जागरण मंच शैलेंद्र पाल उमाकांत यादव मुकेश महेश आदि लोगों के साथ बैठकर महेश गुप्ता जी के यहां बैठक की और जलपान ग्रहण कर पलानी से पलरा होते हुए बगिया से होते हुए बिछुवाही ग्राम स्थायी गौशाला आंगनवाड़ी केंद्र के पीछे तालाब के पास एक भी गौवंश नहीं मिले। ताला लगा हुआ था, भूसा पानी की व्यवस्था नहीं पाई गई। वहां पर संदेश संदीप राकेश चुन्नू प्रजापति आदि लोगों से वार्ता हुई। उसके बाद ग्राम छिरहुट्टा प्रधान रमेश कुमार के यहां भी यही हालात पाए गए। ग्राम में रास्ते पर बैठी और खेत में गोवंश मिले। अमर सिंह अनिल दयुवा टेरू से वार्ता हुई। ग्राम के बाहर गौशाला है बताया, जिसमें एक भी गोवंश नहीं है। गौशाला में ना चारा है, भूसा पानी आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, जो रोड से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। एक साल पहले 40 गाय थी, जो अब एक भी नहीं रह गई है, सारी छोड़ दी गई है। इसी तरह ग्राम भिंडौरा प्रधान शिव नायक सिंह की गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं है, इस समय सारी गायों को निकाल दिया गया है। रज्जू सिंह राजकुमार शिवशरण से वार्ता, अध्यक्ष श्री राजेश गिरिजी से वार्ता हुई, बताया कि गौशाला में और कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये सच में गौशाला है जो ललौलीहार में है, जहां कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद तिंदवारी में कान्हा पशु आश्रय केंद्र में देखा गया। बताया गया जयप्रकाश वर्मा चौकीदार के पुत्र सुरेंद्र वर्मा ने 8 चरवाहे हैं, जिसमें पशुओं को लेकिन 150 जानवर के बावजूद 200 तक रखते हैं। अनुराग सिंह का कहना है कि यही था वहां पर कान्हा पशु आश्रय देखने के बाद वहां की गौशाला को देख रहे समस्त पदाधिकारियों को धन्यवाद साधुवाद देते हुए श्री काले शहीद बाबा को प्रणाम किया तथा संतोषी माता को प्रणाम करने के उपरांत मंदिर के पास आरआरजी रेस्टोरेंट में यात्रा को विश्राम दिया गया। इस पूरी यात्रा में पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा।